जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, टिप टॉप में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी MPGL प्रहरी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना चाहता है तो वह आज ही परीक्षा ऐप जो है डाउनलोड कर ले। परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर पर जाइए, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और यहाँ पर आपके लिए डेमो टेस्ट सीरीज है, डेमो टेस्ट लगाकर देख सकते हैं। पर उसके बाद आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज है और वीडियो कोर्स भी है, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो आप जब भी वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो वहां पर आपसे एक कूपन कोड मांगा जाएगा। तो सेल्फ SC40 आपके लिए याद रखना है, सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करना है। तो यह आप अगर यह यूज करेंगे तो 40% ऑफ में आपके लिए यह टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो सेल्फ SC40 यह कूपन कोड आपके लिए यूज करना है और आज ही आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है यह, और टेस्ट सीरीज अवश्य लगाए। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइक कर लें एक बार वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का अपने यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हीरा चमकदार दिखाई देता है तो यह बताना है, हीरा चमकदार दिखाई देता है अपवर्तन के कारण या प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चार विकल्प है आपके सामने और आपके लिए एक विकल्प यहाँ पर चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर चार आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर चार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, विकल्प नंबर चार जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, आपका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है यह बताना है, वास्तविक, काल्पनिक या उल्टा या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीन वह क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। सतीश त्यागी जी, सोनम जी, पारो जी, रामावतार जी, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर, कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर तीन है। और इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर तीन का वह होगा आपका क्या है, विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, काल्पनिक। काल्पनिक याद रखना है, विकल्प नंबर दो जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है यह कैसा होता है, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है कौन सी है यह बताना है। चार विकल्प है आपके सामने क्वेश्चन नंबर चार है, सभी लोग आंसर बताएंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या इसका राइट आंसर। तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर चार, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर दो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर दो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर आपके यहाँ पर सही आंसर हो, हाँ विकल्प नंबर दो आपके यहाँ पर सही आंसर है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है क्वेश्चन नंबर पांच है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है यह बताना है, उल्टी, सीधी, सीधा, उल्टा और सीधा या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर पांच है और इसका जो राइट आंसर है भाई क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा,
एक आपके यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक उल्टा। उल्टा आपके यहाँ पर राइट आंसर है, उल्टा आपका राइट आंसर। तीस त्यागी जी, इंग्लिश में जो विकल्प है वह नहीं है, हिंदी में ही बस है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उल्टी आपके लिए, उल्टा आपका जो विकल्प नंबर एक है राइट आंसर है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्वेश्चन नंबर छह है। सभी लोग बताएंगे आयतन, घनत्व, द्रव्यमान या भार, चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर छह है, सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान या भार। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, विकल्प नंबर आपका जो सही आंसर है वह है दो। विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है घनत्व। घनत्व आपका यहाँ पर सही आंसर है, याद रखना है घनत्व। विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा, घटता है, चार गुना हो जाता है, एक चौथाई हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर सात का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर सात है, सभी लोग बताएंगे यदि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा, यह बताना है। तो सभी लोग बताएंगे पवन जी, नरेंद्र जी, सोनम जी, पारो जी, क्या है इसका राइट आंसर, प्रीति जी। क्वेश्चन नंबर सात है और सात का यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर चार आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि दुगना होता है। दुगना होता है यदि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए और लोलक के झूलने का समय दुगना होता है, यह याद रखना है। विकल्प नंबर चार आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है या घटती है। तो चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आठ का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आठ है, हाँ क्वेश्चन नंबर आठ का सभी लोग आंसर बताएं, क्या है क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है या घटती है। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं और सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आठ है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर, सॉरी विकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर तीन वैसी ही रहती है, यह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर तीन आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर तीन वैसी ही रहती है। हाँ लोकेंद्र जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर तीन। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नौ। सभी लोग आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है क्या होगा यह बताना है। क्वेश्चन नंबर नौ और चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर। तो आपके यहाँ पर सही आंसर, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वह क्या होगा, वह होगा घट जाएगा। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, याद रखना है विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी विकल्प नंबर एक बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है यह बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर दो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर दो की अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही, बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, पास्कल जो है इकाई है किसकी है यह बताना है।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की, चार विकल्प हैं आपके सामने। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। सभी लोग बताएं पास्कल इकाई है, तो पास्कल जो है किसकी इकाई है यह बताना है। पूनम जी सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। पारो जी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि पास्कल इकाई है, तो आपका सही आंसर है दीपक जी विकल्प नंबर एक दाब की। दाब याद रखना है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु बम का विकास किसने किया। चार विकल्प हैं, सभी लोग बताएंगे परमाणु बम का विकास किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर दीपक जी, क्या होगा इसका राइट आंसर दीप्ति जी। और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहीं से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं। और परमाणु बम का विकास किसने किया यह बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर दो। जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर विकल्प नंबर दो में है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चार विकल्प हैं आपके सामने। क्या है इसका राइट आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी जो धातु है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 3 है वह सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। जर्मेनियम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, तो किसकी है यह बताना है। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग बताएंगे बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा, तो चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, निम्न में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर आपका कौन सा है, दो आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा जल। जल याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है जल, जल जिन्होंने बताया उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा पदार्थ है भाई बताइए लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच, चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, तो इसका जो राइट आंसर है देवेंद्र जी, प्रीति जी, लोकेंद्र जी, सभी लोग बताएंगे सोनम जी क्या है इसका राइट आंसर, सतीश जी। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर दो। विकल्प नंबर दो जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है मिट्टी। मिट्टी याद रखना है, जो मिट्टी है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होती है जो पदार्थ है, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में, चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग बताएंगे जितेंद्र जी क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका यहाँ पर, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 4 इस्पात आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर 4 जो डी है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं, चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही सही, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर क्या है, 3, विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है द्वारा, द्वारक आपके लिए यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है द्वारक। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर के संचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो यह बताना है। तो बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, ट्रांजिस्टर के संरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है या होता है, सिलिकॉन, रजत, एल्यूमिनियम, तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, सिलिकॉन आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया योगेश जी, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है सिलिकॉन, सिलिकॉन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है, क्या कारण है यह बताना है। सभी लोग बताएंगे इसका क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या केंद्रापसारी बल या ऊष्मा। तो चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है यह बताना है। तो इसका जो कारण है वह आपका क्या है, विकल्प नंबर 3। बिल्कुल सही, हाँ विकल्प नंबर 3 बहुत सारे लोगों ने बताया उनका राइट आंसर है केंद्रापसारी बल होता है, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर 20 है। सभी लोग आंसर बताएंगे गैस इंजन है जो, इसकी खोज किसने की यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 का। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, जितेंद्र जी, पूनम जी, दीप्ति जी, रामनी कुशवाहा जी। तो सभी लोग बताएंगे कि गैस इंजन की खोज किसने की, और क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वह आपका विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है, डेमलर, डेमलर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर जो 3 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है डेमलर। बिल्कुल सही, सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो जो कैमरा होता है इसमें किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो यह बताना है उत्तल या वर्तुलाकार या समान मोटाई का या अवतल। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर है सभी लोग बताएंगे कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तल, उत्तल आपका यहाँ पर सही आंसर है, उत्तल का जो है प्रयोग में लाया जाता है कैमरे में, यह आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, किलो वाट घंटा मात्रक है यह बताना है किसका है, आवेश का, विद्युत ऊर्जा का या विभवांतर विद्युत या शक्ति का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, चार विकल्प हैं, और वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर लें, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही कम लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक करते हैं, तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें और इसका राइट आंसर बताना है क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे कि किलो वाट घंटा का मात्रक है, मात्रक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऊर्जा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, जिन्होंने भी विकल्प नंबर आपका जो 2 है वह राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, स्तर बताना है, तब जहाज का स्तर कैसा होगा यह बताना है, बताइए। सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे
तो क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 3, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा आपका, यह जो है विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, तो सभी लोग बताएं। क्या है इसका राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आपका राइट आंसर है क्या है, धनात्मक। धनात्मक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, धनात्मक आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना है विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है यह बताना है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है यह बताना है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 25, तो सभी लोग बताएं आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 1, परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति यह आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। बिल्कुल सही मनोज जी, मोना जी, जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया उनका राइट आंसर है। हीरा का अपवर्तनांक है यह बताना है कितना है, 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। प्रियंका जी, सतीश त्यागी जी, दीप्ति जी, मोना जी, प्रीति जी, पारो जी, सभी लोग बताएं हीरा का अपवर्तनांक है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वह है आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कि 2.42 है, यह आपके लिए याद रखना है। हीरा का अपवर्तनांक है विकल्प नंबर 4, 2.42 आपका यह जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन के द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा। तो 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का, कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 4, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा आपका विकल्प नंबर जो 4 है, डी है। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर डी बता रहे, बिल्कुल सही, उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है बाघ, गोरिल्ला, बंदर या चिंपांजी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, शेयर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप से भी सभी लोग जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। क्या है इसका राइट आंसर, कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है तो कौन करता है यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 1, बिल्कुल सही, एक जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है बाघ। बाघ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, लोहा, यूरेनियम, तांबा या ये सभी। 4 विकल्प है क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। बिमला जी, सतीश त्यागी जी, तो सभी लोग बताएंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो आपका राइट आंसर है यूरेनियम, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर है यूरेनियम, यूरेनियम आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है कैसा है यह बताना है, उपकेंद्रण या विसरण या अपकेंद्रण या अपोहन। 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे।
क्या इसका राइट आंसर वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, कैसा है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या है इसका राइट आंसर सोनम जी? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। और क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 3। बिल्कुल सही मनोज जी, विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण जो वॉशिंग मशीन है इसका कार्य सिद्धांत है कैसा है, अपकेंद्रण, याद रखना है। विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। सभी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, यह बताना। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर आपके सामने चार विकल्प है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन या पोजिटॉन या फोटॉन। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर डी, आपके यहाँ पर राइट आंसर है। डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है फोटॉन, उनका सही आंसर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है यह बताना है। चार विकल्प है, विशाल जी, एस कुमारी धाकड़ जी, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, पवन जी, आदर्श जी, सुमन जी, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। विमला जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। और इसका जो राइट आंसर है क्या है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है क्या है, वह है आपका विकल्प नंबर 1, यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आदर्श जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? न्यूटन के द्वारा या हाइगेंस के द्वारा, प्लैंक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का तरंग किस तरंग जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर, कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी होगा राइट आंसर, हाइगेंस के द्वारा। हाँ, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है हाइगेंस के द्वारा, याद रखना है। देखिए न्यूटन के समकालीन जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1678 में, 1678 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह बताना है। तो व्यतिकरण या विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। तो चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है। माखन जी, पारो जी, सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, सभी लोग बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ध्रुवीकरण। बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए ध्रुवीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक अस्पष्ट या मिश्रित ध्रुवीकरण वाले किरण पुंज को एक सुस्पष्ट किरण पुंज में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ आपके लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देंगे। तो सभी लोग जो है पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड करते हैं, कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, वहीं पर आपके लिए लिंक है, डिस्क्रिप्शन जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जो टेलीग्राम ग्रुप है और उसकी लिंक है, तो वहां से आप सभी लोग जुड़ जाएं। और इसका राइट आंसर क्या है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, आपका यहाँ पर सही आंसर है मैक्सवेल, मैक्सवेल आपका यहाँ पर
आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मैक्सवेल, याद रखना है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी लोग बताएंगे कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, और इसका जो राइट आंसर है सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वह आपका ग्रिमाल्डी, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, ग्रिमाल्डी, याद रखें विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है। चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सोनू वर्मा जी, संध्या सेन जी, पवन कुशवाहा जी, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया तो किसने किया यह बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही एच हर्टस आपके यहाँ पर सही आंसर है। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे विद्युत प्रभाव कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और 1887 में एच हर्टस जो है इन्होंने इसका प्रयोग किया। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और तरंग, सॉरी प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके लिए नहीं बताना है कौन सी वह घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पर, तो सभी लोग बताएंगे विवर्तन या ध्रुवण या परावर्तन अपवर्तन। तो चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर, धर्मवीर यादव जी सभी लोग बताएंगे तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 8 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है ध्रुवण आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, कि कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ध्रुवण आपके यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बी आपके यहाँ पर, नामनी कुशवाहा जी आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो सभी लोग बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 9, विक्षेपण या विपरतन, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, तो विशाल जी, संध्या सेन जी, एस कुमारी धाकड़ जी, दीपिका मालवीय जी, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका क्या कहलाता है, विवर्तन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी, हाँ बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा। जब प्रकाश और ध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं, और अवरोधक की ज्यामिति छाया में प्रवेश कर जाती हैं। तरंगों की इस प्रकार मुड़ने की घटना को विपरतन कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है कि विपरतन जो है विवर्तन, विवर्तन यहाँ पर किसको कहते हैं, तो इस प्रकार आपके लिए यह परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो कौन सा सिद्धांत यह पुष्टि करता है प्रकाश के तरंग प्रकृति की, तो यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, न्यूटन का कणिका सिद्धांत या व्यतिकरण का सिद्धांत या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प हैं आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सभी लोग यहाँ पर जल्दी से आंसर बताएं क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर
विकल्प नंबर आपके यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण का सिद्धांत जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, व्यतिकरण का सिद्धांत। देखिए, व्यतिकरण से किसी भी प्रकार की तरंगों की एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया अभिव्यक्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष स्थितियों में कंपनों और उनके प्रभावों में वृद्धि, कमी या उदासीनता आ जाती है। व्यतिकरण का विस्तृत अध्ययन विशाल विभेदन शक्ति वाले सभी यंत्रों के मूल में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका यहाँ पर, कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के जो है समान नहीं। तो यहाँ पर सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। चार विकल्प हैं आपके यहाँ पर और एक विकल्प का चयन करना है। आपका राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान है आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, तो सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, तो है इसको क्या कहते हैं यह बताना है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का विपर्तक, या प्रकाश का प्रकीर्णन। चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना है इसको क्या कहते हैं, इस घटना को, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी। बी आपका, हाँ संध्या सेन जी, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर है। जब प्रकाश किरणें एक पॉलिश युक्त पृष्ठ माध्यम पर जो है आपतित होती हैं, तो उसी माध्यम में पुनः लौट जाती हैं। समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कुछ संबंधित पदों की परिभाषाएं, परावर्तक पृष्ठतः वह सत्ता है जिससे प्रकाश परावर्तित होता है, वह परावर्तित पृष्ठ कहलाती है, आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ऐसे सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तीक्ष्ण, प्रगामी, या अनुप्रस्थ तरंग, या अनुदैर्ध्य। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशाल जी, माखन जी, सोनू जी, संध्या सेन जी, विमला जी, नामनी कुशवाहा जी, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ऐसे सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे तरंगे हैं। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है भाई क्या है, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंग आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अनुप्रस्थ तरंग विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही जिन्होंने बताया है क्या अनुप्रस्थ तरंग उनका राइट आंसर है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन माध्यम के कण और तरंग संरचना की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? जो प्रकाश का वेग है यह सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया यह बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने, तो गैलीलियो, या न्यूटन, या रोमर, या माइकेलसन। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी, कविता जी, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, रोमर। रोमर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी याद रखना है आपके लिए, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। प्रकाश की चाल
जो है एक भौतिक नियतांक है और यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में, चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो किस में होता है, हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 और आपका यहाँ पर राइट आंसर है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो यह होता है निर्वात में। निर्वात आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। हाँ बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। प्रकाश की चाल जो है एक भौतिक नितांत है, निर्वात में इसका सटीक मान जो है इस प्रकार मीटर प्रति सेकंड है, जिसे 3 लाख किलोमीटर सेकंड कह दिया जाता है। तो इसको 3 लाख जो है करीब 3 लाख किलोमीटर सेकंड कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। चार विकल्प हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 का, सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर सी, वैसी ही रहती है, कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है यह बताना है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, 8 मिनट, 8 सेकंड, 1 सेकंड या 100 सेकंड। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है यह बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी है यहाँ पर सही आंसर, क्या है, विकल्प नंबर सी, 1 सेकंड, 1 सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो है लगभग समय लगता है 1 सेकंड, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, अब यहाँ पर सूर्य की रोशनी को बताना है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 मिनट, 8 सेकंड, 8 मिनट, 4 मिनट। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर है यहाँ पर, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा, 8 मिनट, 8 मिनट आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। हाँ बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है, आरती चौधरी जी। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो समय लगता है 8 मिनट, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है यह बताना है कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी लोग बताएंगे, पवन जी, रोहित जी, रविंद्र जी, नेहा जी, आरती जी, सोनू जी, दीपिका जी, शिवानी जी, सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, 460 सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 460 सेकंड याद रखना है आपके लिए, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है, जिन्होंने भी बी बताया है। देखिए यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले और फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है, यह आपके लिए याद रखना है। और पृथ्वी का अंधकार जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब पृथ्वी का पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता, इस प्रकार
बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब होता है सूर्य ग्रहण? चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी बीच में हो या सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 20 से आपका, और क्वेश्चन नंबर 20 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब, जब आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि चंद्रमा बीच में हो, चंद्रमा बीच में हो, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी रविंद्र जी, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर, जिन्होंने भी ये बताया उनका सही आंसर होगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, या अर्धचंद्र के दिन, या अमावस्या में पूर्णिमा के दिन। तो इस प्रकार चार विकल्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो कब घटित होता है यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका चंद्र ग्रहण बताना है। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो यह घटित होता है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, याद रखना है। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छ छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है, याद रखना है पूर्णिमा को। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अब आपके लिए बताना है सूर्य ग्रहण, बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है, बताइए। तो सभी लोग बताएंगे चंद्र, जो चंद्र ग्रहण होता है यह पूर्णिमा के दिन होता है, और जो सूर्य ग्रहण है यह कब होता है यह बताना है। तो चार विकल्प है, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, या चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, और सूर्य ग्रहण जो है यह कब होता है, तो आपका अब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है अमावस्या। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी ये बताया है उनका राइट आंसर है अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, और 23 का राइट आंसर सभी लोग यहां पर बताएंगे। तो बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। प्रकाश जी, आरती जी, पवन जी, विमला जी, एस कुमारी धाकड़ जी, नेहा जी, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वह विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह आपका जो है विकल्प नंबर सी है राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता हीरे में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत ही कम होता है। जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए सिरे में प्रवेश होता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो किसके कारण आपके लिए यह प्रतीत होता है, तो बताइए, सभी लोग बताएंगे। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं कि पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किसके कारण थोड़ा सा ऊपर उठा प्रतीत होता है? तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वह है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं यहाँ पर, बी ही आपके यहाँ पर राइट आंसर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बी आपके यहाँ पर सही आंसर है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण यह आपके लिए उठा हुआ आपका पैर और छोटा दिखाई पड़ता है? तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण। तो पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है।
तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वह है क्या है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, अपवर्तन के कारण। हाँ बिल्कुल सही, एक आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संपत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किस संपत्ति के कारण वह छड़ी कैसी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये आपके लिए बताना है। तो बताइए क्यों मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का प्रकीर्णन। चार विकल्प है क्वेश्चन नंबर 26 है, और 26 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, याद रखना है। हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम से इसका संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यह अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरी समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होकर मगन करने लगती हैं तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह क्या है, इसका राइट आंसर, सीधी दिशा में चली जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं, या इनमें से कोई सा विकल्प जो है सही नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, सोनम जी, आरती जी, माखन जी, नेहा जी, रविंद्र जी, विशाल जी, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 है। अनूप कुशवाहा जी, हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें, बहुत ही कम लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर, दीपिका जी, रोहित जी, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें। और इसका जो राइट आंसर है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर है, बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बी बताया है, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, या सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 28 से आपका, और क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर बताएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही रोहित जी, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, सघन माध्यम को और विरल आप सॉरी सघन माध्यम को और आपतन कोण से अधिक के साथ, यह जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो यह बताना है क्वेश्चन नंबर 29-29 है, और बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बताएंगे कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तन और परिक्षेपण, या प्रकीर्णन लिखा है यहाँ पर, प्रकीर्णन और अपवर्तन, या विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, और क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 29 है, और 29 का जो राइट आंसर है वह क्या है, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। डी बिल्कुल सही, डी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर है अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परावर्तन, याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर, इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, हाँ अपवर्तन और परावर्तन जो है, और फैलाव के कारण बनने वाला एक संयोजक है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम यानी रंगावली दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मृग मरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का आखिरी प्रश्न है, सभी लोग आंसर बताएंगे, मृग मरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस घटना को कहते हैं, याद रखना है, विकल्प नंबर
डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंची। कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? चार विकल्प होंगे आपके सामने, आपके लिए कमेंट में आंसर बताते जाना है क्या होगा इसका राइट आंसर। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग बताएंगे। हरिओम जी, स्वीकृति जी, राकेश जी, किरण जी, तो सभी लोग बताएं। पारु कुशवाहा जी, पुष्पा जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी, रॉबर्ट हुक। आपके लिए याद रखना है, रॉबर्ट हुक विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपके लिए याद रखना है, 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन किया था, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर दो है यहाँ पर, तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दो का वह है क्या है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर डी, आपके यहाँ पर सही आंसर है। डी जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है विष्णु जी। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सेंट्रीओल। सेंट्रीओल याद रखना है आपके लिए, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। पादप और जंतु की कोशिकाओं की अलग अलग जो है संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। पशु और वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर तीन है, चार विकल्प हैं आपके सामने, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो क्या है इसका राइट आंसर? कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। बिल्कुल सही, सी जिन्होंने ही बताया उनका राइट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण, याद रखना है विकल्प नंबर सी। देखिए यहाँ पर राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिकीय द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। स्वीकृति तिवारी जी, क्या इसका राइट आंसर? पारो जी, सोनू वर्मा जी, क्वेश्चन नंबर चार है यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पर राइट आंसर क्या है? अभिषेक सोनी जी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या है? विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण जो आपके यहाँ पर विकल्प नंबर बी है वह राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। माइटोकांड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो आपका जो कार्य है भोजन का ऑक्सीकरण। देखिए, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरी हुई दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को जो है सूत्रकणिका या माइटोकांड्रिया कहते हैं, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पांच का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पांच यहाँ पर क्या है? मोना वर्मा जी, स्वीकृति जी, इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है?
तो क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर होगा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह जो कहा जाता है माइट्रो माइटोकांड्रिया जो है इसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह। याद रखना है विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज जो है सन 1886 में अल्टमैन ने की थी, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा यहाँ पर कोशिकांग बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, सबसे बड़ा यहाँ पर कोशिकांग बताना है। तो अभिषेक सोनी जी आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, प्लास्टिड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो बताइए कहाँ पर होता है, गैल्जिकाय में, राइबोसोम में, माइटोकांड्रिया में या सेंट्रोसोम में? तो चार विकल्प है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है तो सभी लोग बताएंगे, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, बी में क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम में आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो पुष्पा जी क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। और सोनू वर्मा जी, जो इंग्लिश की और मैथ की क्लास इस चैनल पर नहीं आती है, तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, यह बताना है। चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग बताएंगे। सोनम जी क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोशिका भित्ति आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गैल्जिकाय? तो गोल्जी का है, क्या होगा इसका राइट आंसर। चार विकल्प है आपके सामने, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, प्रियंका जी, अभिषेक सोनी जी, सोनम जी, रामोतार जी, तो क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, यह बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह विकल्प नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल सही, सोनू वर्मा जी, कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति यह पादप कोशिकाओं को बाहरी आघात से बचाती है, यह पारगम्य होती है, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, क्या कहलाता है यह बताना है। चार विकल्प है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। अरविंद जी क्या होगा इसका राइट आंसर, मोना जी, स्वीकृति जी, पारु कुशवाहा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है कौन सा, 10, और इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर जो है वर्ष राज्य, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अंतः प्रद्रव्यी जलिका जो है जालिका, यह आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर डी।
बिल्कुल सही, डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल बताना है कौन सा है। चार विकल्प हैं यहाँ पर, देखिए लाइसोसोम या राइबोसोम या माइटोकांड्रिया या गोल्जिकाए। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। राम अवतार जी, सोनम जी, सोनू वर्मा जी, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। रामनी कुशवाहा जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर है वह आपका होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही पुष्पलता गौतम जी, बी आपके लिए याद रखना है, राइबोसोम में। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर होगा। देखिए राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक या रिक्तिकाएं या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? तो सभी लोग बताएं क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो राइट आंसर है भाई क्या होगा यहाँ पर? और आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी विकल्प नंबर डी बताया उनका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर डी। देखिए पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रिका, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, लवक रिक्तिकाएं आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, तो कोशिकीय श्वसन है जो, इसका सक्रिय स्थल बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, माइटोकांड्रिया जो है इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, अभिषेक सोनी जी, स्वीकृति जी, विकल्प नंबर बी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, बी जिन्होंने बताया है रचना लोधी जी, राइट आंसर है। देखिए श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अवरणी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो यह बताना है किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, जो अवरणी लवक है यह मुख्यतः पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में विकल्प नंबर एक आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अवरणी लवक जो है रंगहीन लवक है, जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो यह बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15 का, 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्या इसका राइट आंसर? और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, याद रखना है क्रोमोप्लास्ट। विकल्प नंबर बी याद रखें, हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग जो रंगों वाले लवकों को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है, हरा रंग छोड़कर, और सभी जो है अन्य रंगों वाले जो लवकों होते हैं इनको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनसे ही फूलों एवं फलों को रंग प्राप्त होता है। रंगहीन जो लवकों को ल्यूको
लास्ट कहते हैं, यह आपके लिए याद रखना है, अगला क्वेश्चन है क्या है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो चार विकल्प हैं, कौन करता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, चार विकल्प हैं बताइए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे, किरण जी, पुष्पलता जी, शिव कान्या, सोलंकी जी, पारू कुशवाहा जी, सोनम जी, क्या इसका राइट आंसर, मोना वर्मा जी, रामोतार जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, कोमल सोलंकी जी। चार विकल्प हैं आपके सामने, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, और आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट आपका सही आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर बी बताया है, बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। देखिए, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और शैवलीय कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो क्या, कौन कहलाता है, लाइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम या राइबोसोम या न्यूक्लियोसोम या आपका अगला विकल्प है गोल्जी कॉय। तो आपका यहाँ पर चार विकल्प हैं और एक विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, और कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ये बताया है, लाइसोसोम आपके यहाँ पर सही आंसर है, लाइसोसोम याद रखना है, विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, तो यह बताना है क्या कहलाता है, चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी को बताना है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। और इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का, कि जो लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका, जिन्होंने भी डी बताया उनका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल, तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सही सोनू वर्मा जी, क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो वह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही, डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है जल, जल याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, देखिए शरीर की जो रचना कोशिकाओं से होती है, जीव द्रव्य का 99% भार चार तत्वों से मिलकर बनता है, यह आपके लिए याद रखना है, ऑक्सीजन जो है 76%, कार्बन जो है 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, यह बताना है आपके लिए, किससे बना होता है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या है इसका राइट आंसर, केवल कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य एवं केंद्र द्रव्य, केवल केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य और एनी कोशिकांग। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर जो राइट आंसर है, पारू कुशवाहा जी, मिस मोना वर्मा जी, सोनम जी, वह आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर डी,
विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। डी जिन्होंने बताया अभिषेक सोनी जी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांक जो है आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह बताना है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति भित्ति या कोशिका कला या केंद्रक जिसको नाभिक भी कहते हैं। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सोनू वर्मा जी, क्या इसका सही आंसर विष्णु जी। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं और वीडियो को सभी लोग यहां पर लाइक कर लें। बहुत ही कम लोग वीडियो ने लाइक किया है, वीडियो को लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वह आपके यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी, कोशिका भित्ति जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचन रस जो है उत्पन्न करना, स्त्रावी। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर मनोज जी, प्रियंका जी, क्या है इसका सही आंसर, सभी लोग बताएंगे। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्त्रावी। स्त्रावी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक डीएनए रखता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिकांक है वह कौन सा है जो डीएनए रखता है? तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या है, चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताना है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 के यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है डी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी बताया उनका राइट आंसर माइटोकांड्रिया आपके लिए यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताना है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? और क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर जो राइट आंसर है सुपर क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर बी, विकल्प नंबर बी याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, बी होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया कांड्रिया की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर, क्या है माइटोकांड्रिया जो है इसकी खोज किसने की है? चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या है राइट आंसर, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही है, अल्टमैन, अल्टमैन आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना है विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है अल्टमैन, अल्टमैन याद रखना है बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर ए बता रहे हैं। सर्वप्रथम माइटोकांड्रिया की खोज जो है कब हुई थी, 1886 में, याद रखना है 1886 में अल्टमैन ने की थी, बाद में बेंदा ने इसका नामकरण माइटोकांड्रिया के रूप में किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्राहा जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, चार विकल्प हैं आपके सामने, लबक गोल्जी कॉय या माइटोकांड्रिया या अंतः प्रद्रव्य जालक। तो इस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है, चार विकल्प हैं और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वह है आपका विकल्प नंबर एक, लबक याद रखना है, लबक जिन्होंने भी बताया है विकल्प नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर है। इंग्लिश और मैथ की क्लास इस चैनल पर आपकी नहीं आती है और विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोमस
करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे, सचिन ठाकुर जी, पुष्पलता गौतम जी, सोनम जी, मोना वर्मा जी, रचना लोधी जी। क्या है इसका राइट आंसर? अभिषेक सोनी जी। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 27 के यहाँ पर राइट आंसर जो है वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, अंतः कोशिकीय पाचन में। अंतः कोशिकीय पाचन में याद रखना है अपनी रोज जो क्लास है 4:05 पर होती है, याद रखना है 4:05। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। सी जो मैंने बताया उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है पराग्भ या अर्ध परागम्य या चयनात्मक पारगम्य या आपका अपारगम्य। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। क्या इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। और कोशिका भित्ति जो होती है यह होती है कैसी? आपका राइट आंसर है पराग्भय। पराग्भय पारग्भय है, पारग्भय यहाँ पर पारग्भय याद रखना है। पारग्भय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक। देखिए, कोशिका भित्ति जो है यह पादप कोशिका को बाहरी आघात से बचाती है और यह पारगम्य होती है, कोशिकाओं को एक निश्चित जो है आकार प्रदान करती है। यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। यहाँ पर जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, भाई वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी यह क्लास होती है 4:05 पर। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की। और क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर एक, किस्ट्री। क्रिस्ट्री आप क्रिस्टी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक आपके लिए याद रखना है। यहाँ पर एक यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया में जो है किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकांड्रिया किस में अनुपस्थित होता है यह बताना है। ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी क्वेश्चन है आज का। सभी लोग आंसर बताएंगे। सचिन ठाकुर जी, क्या इसका राइट आंसर? माइटोकांड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्या होगा? राइट आंसर सी, विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है जीवाणु। जीवाणु आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। हाइड्रोजन की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो चार विकल्प है आंसर, सभी लोग कमेंट में बताते जाएंगे क्या है इसका राइट आंसर। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन की खोज किनके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी हाइड्रोजन की खोज? चार विकल्प है और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? और आपका राइट आंसर है यहाँ पर बी, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैवेंडिश आपके यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। बी आपके लिए याद रखना है, कैवेंडिश। देखिए, इन्होंने 1766 में इसकी खोज की थी हाइड्रोजन की, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है यह आपके लिए बताना है। चार विकल्प हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर? सभी लोग बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं यह क्वेश्चन। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर दो, और इसका जो राइट आंसर है, कौन सा तत्व सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है? आपका आंसर है विकल्प नंबर एक। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ये बताया है विकल्प नंबर एक, उनका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। देखिए, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर नहीं, यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तथा पृथ्वी, तारों और सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे, सालू जी, सविता जी, लोकेंद्र जी, राधा, विश्वकर्मा जी, संध्या सेन जी, शिवानी जी, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है पवन जी, बी में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर नहीं, यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? चार विकल्प है आपके सामने, हाइड्रोजन है, मीथेन है, प्राकृतिक गैस है या एथेनॉल है। तो इस प्रकार चार विकल्प है, और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? रामकिशोर जी इसका राइट आंसर, आरती जी, नेहा जी, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? और क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके लिए याद रखना है, जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन, विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर, टीना जी बिल्कुल सही आंसर है, टीना जी विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन जो है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन में सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका स्थानीय जो संसाधनों से स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार यह दुनिया के लिए भविष्य का ईंधन साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है, तो यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है वह कि वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है वह है हाइड्रोजन। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। बिल्कुल सही, बी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर है हाइड्रोजन, अम्लों का आवश्यक तत्व घटक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो बताइए क्या है? हाइड्रोजन या लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। चार विकल्प है क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सभी लोगों को आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। और इसका राइट आंसर बताना है पुष्पलता जी, पवन कुशवाहा जी, क्या इसका राइट आंसर? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है, हाइड्रोजन आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, जिन्होंने भी विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर है, याद रखना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 संकेत H और परमाणु जो भार है 1.008 है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानकों की संख्या बताना है कितनी है यह बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, 2, 3, 4 या 5। और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है सालू जी? तो इसका राइट आंसर बताना है, हाइड्रोजन के समस्थानकों की संख्या कितनी है? तो आपके यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, 7 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 3, 3 आपके यहाँ पर सही आंसर है, याद रखना है विकल्प नंबर बी। देखिए हाइड्रोजन के 3 जो समस्थानिक होते हैं यह आपके लिए याद रखना है। देखिए यहाँ पर ए है कौन कौन से, प्रोटियम,
और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यह आपके लिए याद रखना है। प्रोटियम, प्रोटियम का परमाणु संख्या एक तथा द्रव्यमान संख्या भी एक होती है। इसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया है किंतु प्राकृतिक रूप में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। यहाँ पर चार विकल्प भी दिए हैं जिसका आंसर आपके लिए एक विकल्प का चयन करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है प्रोटियम या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम या ओजोन। तो चार विकल्प हैं और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वह क्या है। रुचि जी क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 8 और 8 का यहाँ पर राइट आंसर है ओजोन। ओजोन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर डी बता रहा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ओजोन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, नहीं है। अब इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, वही पूछा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है आपका विकल्प नंबर डी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। अभी और लाइव क्लास कोई सी नहीं आ रही है, अभी तो सिर्फ यही बस आ रही है 4:05 पर जीएस की, यही बस सामान्य विज्ञान की बस आ रही है लाइव क्लास। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, चार विकल्प है आपके सामने, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार चार विकल्प है क्वेश्चन नंबर 10 का, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है यह बताना है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, नरेंद्र अहिरवार जी, टीना जी और रुचि जी सभी लोग बताएंगे, सालू जी, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। और 10 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर बी बता रहे हैं। ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसे ट्राइटॉन भी कहते हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। राममणि कुशवाहा जी क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। चार विकल्प है आपके सामने कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। और आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, आपके लिए याद रखना है। तो बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है बी में क्या है, सी यू, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त तब लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पर राइट आंसर बताना है, ऑक्सीजन या जो अगला विकल्प है आपका प्रोड्यूसर गैस या हाइड्रोजन या जल गैस। तो चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। नेहा जी क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12, और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है क्या है, सी में, सी में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। देखिए रक्त तृप्त लोहा भाप के साथ अपघटित होकर यहाँ पर फेरा सोफेरिक जो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है,
हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है जल, या हाइड्रोजन क्लोराइड, या एल्कोहल ईंधन। तो ईथर है, यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, चार विकल्प हैं आपके सामने। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, बिल्कुल सही, जल। जल आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिसने भी विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर है जल। कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है जल, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। देखिए हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है, जलने का ताप ऊंचा होता है, ज्वाला रंगहीन होती है, जलकर जो है जल। और यहाँ पर क्या है, जल में H2O मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? पूजा जी, मोना वर्मा जी, पारो कुशवाहा जी, रुचि जी, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है और नियोन है। तो इस प्रकार चार विकल्प है आपके सामने, और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, और 14 का यहाँ पर जो राइट आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है हाइड्रोजन, याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, हाइड्रोजन। देखिए वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी वनस्पति तेल से बनता है, इसे ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। शुद्ध घी के बनावट और स्वाद की नकल करने के लिए इसे जो है हाइड्राजनेशन जो किया जाता है, और ट्रांस फैटी एसिड सामग्री में वृद्धि हाइड्रोजनीकरण का कारण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की, खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या क्रिस्टलीकरण द्वारा, या आसवन द्वारा, या उपचयन द्वारा। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 15 के यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी लोग बताएंगे, खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है 15 का, वह है विकल्प नंबर 1। जिन्होंने भी एक बताया है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विकल्प नंबर 1 बताया, उनका राइट आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, और 16 के यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है, पैलेडियम का कोलाइडी और विलयन, यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पैलेडियम तथा प्लेटिनस के समान धातु विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है, यह बताना है क्या कहलाती है? चार विकल्प है क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है, यह बताना है। सभी लोग बताएंगे, रितु जी, नितिन जी, नरेंद्र जी, माखन जी, रुचि जी, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रोज अपनी ए क्लास होती है 4:05 पर, 4:05 पर। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी।
अधिधारित हाइड्रोजन आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले होते हैं, उदासीन है, अत्यधिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है, चार विकल्प है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, तो क्वेश्चन नंबर 18 के यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुष्पलता गौतम जी, माखन जी, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो यह क्या होगा इसका राइट आंसर। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1 और 8 का अनुपात, 2 और 1 का अनुपात, 1 और 2 का अनुपात, 8 और 1 का अनुपात। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19। और इसका जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है, 2 और 1 का अनुपात। विकल्प नंबर बी आपके लिए याद रखना है, 2 और 1 का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो यहाँ पर अब आपके लिए भार भार के अनुपात में बताना है। अभी आपको जो आयतन के अनुपात में बताया था, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, कितना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 1, 1 और 8 का अनुपात, 1 और 8 का अनुपात, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है, शुद्ध जल होता है, यह बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई भी नहीं, चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएंगे क्या इसका राइट आंसर, कि शुद्ध जल होता है, कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, उदासीन, विकल्प नंबर सी आपके लिए याद रखना है, जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है उदासीन, याद रखना है। सविता जी, विकल्प नंबर एक आप सॉरी सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, शुद्ध जल का, शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका पीएच मान सबको पता है 7 होता है, पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है, वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो सबको पता है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है 7, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ऊपर ही पढ़ लिया है, विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, पुष्पलता जी, संध्या सेन जी, मोना जी, नितिन चौहान जी, सभी लोग बताएं, राधा जी, क्या है इसका राइट आंसर, कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर आपके यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी डी बताया है उनका राइट आंसर होगा कि शुद्ध जल का तापमान सर्वाधिक होता है, किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, विकल्प नंबर डी याद रखना है आपके लिए, डी आपके यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व, पानी का घनत्व बताना है क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर घटता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है, तापमान बढ़ने के साथ साथ जो है यहाँ पर यह जो विकल्प है डबल हो बढ़ता है यहाँ पर घटता है, हाँ चार विकल्प है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो दीपक जी, क्या है इसका राइट आंसर, दीपक परमार जी, क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1, एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर
घटता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन, या यहाँ पर अगला विकल्प है हाइड्रोजन आबंधन, या वांडरवाल आकर्षण, या द्विध्रुवी रोधन। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है यह बताना है। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, हाइड्रोजन आबंधन आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी याद रखना है आपके लिए, हाइड्रोजन आबंधन विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बी बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र बताना है। सभी लोग बताएंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। संध्या सेन जी, क्या है इसका राइट आंसर? नरेंद्र अहिरवार जी, पूजा जी, सभी लोग बताएंगे कि जल का रासायनिक सूत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी H2O, H2O आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही आंसर है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल यानी कि पानी प्रकृति की एक ऐसी सौगात है जो जीवन का प्रवाह कर रही है। और देखिए रासायनिक शास्त्र में हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O का योग ही जल बनाता है, जल जिसका अणु दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु से बना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। लोकेंद्र धाकड़ जी, क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%, 76%, 66%, 29%, चार विकल्प। और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर एक, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी विकल्प नंबर एक बताया उनका राइट आंसर है 71%। हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ये बताया उनका राइट आंसर, सभी लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, 71% भूभाग पर जल है। देखिए पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पानी में नमक मिलाने पर पानी क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्रमशः बढ़ और घट जाएगा, या घट और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। सभी लोग यहां पर राइट आंसर बताएंगे। नितिन चौहान जी, रुचि जी, नरेंद्र जी, रामनी कुशवाहा जी, पूनम जी, प्रशांत जी, नेहा जी, सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। पानी में नमक मिलाने पर पानी क्वथनांक और हिमांक में क्या बदलाव होगा? और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा कि क्रमशः बढ़ जाएगा और घट जाएगा, यह आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु नाशन किया जाता है, तो इसका सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु नाशन किया जाता है। चार विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है ना, और इसका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर बी, क्लोरीन द्वारा, क्लोरीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जिन्होंने भी विकल्प नंबर बी बताया उनका राइट आंसर है क्लोरीन, याद रखना है। क्लोरीन को पानी में मिलाने से जो है माइक्रो बैक्टीरिया एवं कैलिफॉर्म जो बैक्टीरिया है वह मर जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में क्लोरीन की
अधिक मात्रा से कैंसर, कोशिका क्षति, अस्थमा, आंतों और गुर्दों में ट्यूमर, हृदय की समस्या जैसी जो बीमारियां हैं यह भी हो जाती हैं। साथ साथ क्लोरीन युक्त जल बच्चों के लिए भी हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम पर मैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, पारदर्शक बनाता है या दुर्गंध मुक्त बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पोटेशियम पर मैंगनेट जल को क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, कीटाणु रहित बनाता है, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। पोटेशियम परमैंगनेट जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम जो है एक साधारण अकार्बनिक रासायनिक होता है जिसका प्रयोग जल में जो मैंगनीज एवं सल्फर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग यह आपके लिए याद रखना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें।